Hello to everyone, this is Avidec at Mirachi and we are going to have a discussion on Shanghai Cooperation Organization, SCO के बारे में हम लोग discussion करने वाले हैं। ये न्यूज में अभी इसलिए है कि 21st मीटिंग SCO का कंप्लीट हुआ है 1 नवंबर 2022 को। ये SCO का CHG मीटिंग था, यानी काउंसिल ऑफ हेड ऑफ गवर्नमेंट का मीटिंग था। ये असल में मीटिंग का जो एजेंडा होता है वो ट्रेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है या फिर अप्रूवल ऑफ एनुअल बजट से रिलेटेड है। तो ऑफकोर्स SCO अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो वो ज्यादातर फोकस करता है ट्रेड और कॉमर्स एज वेल एज सिक्योरिटी ऑफ द रीजन को। ठीक है, SCO के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, SCO की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स जब जब ये न्यूज में आएगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हमें वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को समझना है तो ये सारे ब्लॉक इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन और नाटो का। अगर हमें ईस्टर्न पर्सपेक्टिव को समझना है, रशिया को जानना है, चाइना को समझना है, तो हमारे लिए SCO जैसे ब्लॉक होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया का रिलेशन दोनों ब्लॉक के साथ अच्छा है, इंडिया दोनों का पार्ट रहना चाहता है। ऑफ कोर्स ना ही इंडिया नाटो का मेंबर है ना ही इंडिया यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, बट आइडियोलॉजिकली इंडिया दोनों के साथ ठीक ठाक फिट बैठता है। थोड़ा सा SCO के बारे में समझते हैं कि SCO का गठन कब हुआ था। यू कैन सी आउट हियर SCO का जो गठन है वो जून 2001 संघाई में हुआ था, पर असल में संघाई 5 कहा जाता था संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका गठन 1996 में हुआ था। 96 में उस समय संघाई SCO को क्या कहा जाता था, संघाई 5। इसमें 5 देश रहते थे जिनका नाम है सिंपली चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। ये 5 देशों का जो मिक्सचर था उसे संघाई 5 कहते थे। लेकिन जब 15 जून 2001 में उज्बेकिस्तान बिकेम वन ऑफ इट्स मेंबर तो इसका नाम बदल के SCO कर दिया गया, यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया। 17 साल तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ और उसके बाद फिर 9 जून 2017 में 2 और कंट्रीज को इस ग्रुप में शामिल किया गया जिनका नाम था इंडिया और पाकिस्तान। इंडिया को तो ऑफ कोर्स शामिल करना बनता था क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स जो है वो इंडिया और चाइना का बहुत ही ज्यादा 100 बिलियन से ऊपर का चलता है। इंडिया सेंट्रल एशिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वहां के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर सेंट्रल एशिया चाहता है कि जो फूड है ना उसका सप्लाई सेंट्रल एशिया को होते रहे। लेकिन इसके बीच में पाकिस्तान एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, उसको हम लोग आगे भी समझेंगे कि किस तरह से वो ट्रांसपोर्टेशन इंडिया से करने नहीं देता है सेंट्रल एशिया के पार्ट्स। तो जब रशिया ने यह प्रपोज किया कि इंडिया को भी मेंबर बना लेना चाहिए, तो चाइना का यह कहना था कि क्यों नहीं पाकिस्तान को भी मेंबर बना लिया जाए। वो उस तरह के फ्रेंड होते हैं ना जो कि कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं लेकिन क्योंकि हैं वो पार्ट तो उनको लेके उनको ढोना पड़ता है। वही कहानी है पाकिस्तान की। इंडिया यहां पर बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता है सेंट्रल एशिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, फूड सिक्योरिटी में, इंटरनल सिक्योरिटी में। पाकिस्तान जस्ट कैरिड आउट हो रहा है क्योंकि कि वो यहां पर ज्योग्राफिकली एग्जिस्ट करता है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो 2017 में इन दोनों को फुल मेंबरशिप इस ऑर्गेनाइजेशन का मिला। यू कैन सी आउट हियर इट इज रिटन फाउंडिंग मेंबर कौन कौन से हैं। 5 कंट्रीज हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान 2001 में इसका पार्ट बन के फाउंडिंग मेंबर SCO का बन जाता है। पहले जो संघाई 5 था उसमें उज्बेकिस्तान मेंबर नहीं है। एक और कंट्री मेंबर नहीं है उसको भी याद रखना है, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की एक ट्रीटी है उसमें उसने साफ साफ कर दिया है कि मैं कोई भी ऐसे ब्लॉक का पार्ट बनूंगा ही नहीं। तो तुर्कमेनिस्तान हालांकि है एक सेंट्रल एशियन कंट्री लेकिन इस ग्रुपिंग का वो पार्ट नहीं है। SCO थोड़ा सा इम्पोर्टेंस हम लोग समझते हैं कि ये टोटल 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैरी करता है। इट मीन्स इंडिया चाइना ऑफकोर्स आ गया तो 42% होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 22% ऑफ द लैंड एरिया को कवर करता है और 20% ऑफ द वर्ल्ड GDP को कवर करता है। अगर इंडिया, रशिया और चाइना को ले ले तो ऑफ कोर्स 20% का GDP, बाकी सारे कंट्रीज का GDP उतना मैटर करता नहीं है। 2021 तक ऑन टोटल 8 मेंबर्स का ये ग्रुपिंग बन गया था, लेकिन 2021 में जो दुशानबे में मीटिंग हुई उसमें एक जो ऑब्जर्वर स्टेट था, ऑब्जर्वर स्टेट कुछ ऐसे कंट्रीज होते हैं जो आइडियोलॉजिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं इस ग्रुपिंग का, जो आगे चल के इस ग्रुपिंग के फुल मेंबर बन सकते हैं, उनको ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और
ईरान एक ऐसा कंट्री था जो ऑब्जर्विंग स्टेट में था, उसको 2021 में फुल मेंबर बना लिया गया। आप देख सकते हैं कि इस ग्रुपिंग में वो सारे कंट्रीज को अब ज्यादा जगह मिलेगी जो वेस्टर्न एलाइज के खिलाफ हो, जैसे कि ईरान हो गया। अब देखने को मिल रहा है कि सऊदी अरेबिया जो है वो यूएसए से दूर जा रहा है, तो सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, ये सबको भी ऑब्जर्वर का स्टेटस मिलते जा रहा है। ये एक तरह से एक ईस्टर्न ब्लॉक बन रहा है जो वेस्ट को काउंटर करेगा। नाउ यू कैन सी आउट हियर, 2021 से पहले एससीओ में चार ऑब्जर्वर स्टेट थे जिसमें अफगानिस्तान था, बेलारूस था, देखिए बेलारूस भी वही है, रशिया ने बेलारूस को लाया होगा, वो भी क्या है, वेस्ट के अगेंस्ट है, ईरान है, मंगोलिया है, और ये सारे कंट्रीज जो हैं ऑब्जर्वर स्टेट थे, उसमें ईरान को क्या किया गया, अभी फुल मेंबर बना दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ और कंट्रीज को फुल ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है, जिसमें कि हैं आपके सऊदी अरेबिया, इजिप्ट एंड कतर, ये तीनों को ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दिया गया है। सो ऑन टोटल अब 6 ऐसे कंट्रीज हो गए जो कि ऑब्जर्वर स्टेट्स में आ रहे हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्टार्टिंग से याद रखिए, मैं एक एक करके बोल दे रहा हूं कि एससीओ बनने से पहले एससीओ का नाम संघाई 5 था, जो कि 1996 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद 2001 में इसका नाम संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रखा गया जब उज्बेकिस्तान इसका पार्ट बना। फिर 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इसका पार्ट बनाया गया। उसके बाद 2021 में ईरान को इसका पार्ट बनाया गया, और 2021 में ही कुछ ऐसे कंट्रीज को ऑब्जर्वर स्टेटस भी दिया गया जिसमें कि सऊदी अरेबिया, कतर और इजिप्ट शामिल है। ये पूरा जो ग्रुपिंग है वो एक ईस्टर्न ब्लॉक की तरह काम करेगा जो वेस्ट के अगेंस्ट में होगा। इसमें वो सारे कंट्रीज अवेलेबल हैं जो कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ काम करते हैं, जिसमें ईरान हो गया, बेलारूस हो गया, रशिया हो गया, चाइना हो गया। इसमें सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जो कि दोनों ब्लॉक के ना ही अगेंस्ट रहता है ना ही प्रो रहता है, वो है आपका इंडिया। वो बहुत ही अच्छी तरह से डिप्लोमेटिकली हर चीज को हैंडल करते हुए हर एक जगह अपना पोजीशन बनाने में सफल रहा है। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एससीओ। नाउ इस मीटिंग से हम लोग क्या निकाल रहे हैं और कहां कहां कौन से पॉइंट में इंडिया का स्टैंड क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कनेक्टिविटी का जो पॉइंट है उसमें इंडिया काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रखना चाहता है। इंडिया चाहता है कि फ्री मूवमेंट रहे शिप का, रोड का फ्री मूवमेंट दिया जाए, और यहीं पर इंडिया को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया को सेंट्रल एशिया को एक्सेस करने के लिए ना इंडिया को क्रॉस करना ही पड़ेगा पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान की जो ज्योग्राफी है वो उसको केपेबल करती है इंडिया को रोकने में, और इंडिया को सेंट्रल एशिया का एक्सेस मिल नहीं पाता है। इंडिया ये कहना चाहता है कि इंडिया शेड बेटर कनेक्टिविटी विल अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द एससीओ रीजन। जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है एससीओ का वो अनलीस्ड हो जाएगा अगर आप कनेक्टिविटी देंगे। अगर इंडियन ट्रांसपोर्ट को आप इंटर करने देंगे सेंट्रल एशिया में, तो एक बहुत बड़ा सेंट्रल एशियन कंट्री को मार्केट मिलेगा और इंडिया को भी एक मार्केट मिलेगा सेंट्रल एशिया में। इंडिया ने इसी को लेके कहा कि इंडिया क्या कर रहा है, ईरान में जो चाबहार पोर्ट है उसको डेवलप कर रहा है, और इंडिया चाहता है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है ना वो जल्दी से स्टार्ट हो और इंडिया उसको यूज करना स्टार्ट करे। यू कैन सी आउट हियर, इंडिया को कैसे भी अगर सेंट्रल एशियन कंट्रीज में जाना पड़ेगा तो उसको पाकिस्तान को क्रॉस करना ही पड़ेगा, और यही सबसे बड़ा मुश्किल हो जाता है इंडिया के लिए। ये जो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है रशिया को, यू कैन सी आउट हियर, रशिया से जाते हुए यहाँ अजरबैजान से होते हुए ईरान होते हुए बंदर अब्बास पोर्ट तक आ जाता है, और यहाँ से वो डायरेक्ट क्या है मुंबई को कनेक्ट कर सकता है। तो INSTC जो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसमें रेल रोड भी शामिल है, रेल शामिल है उसमें, रोड शामिल है उसमें, सब शामिल है, और ये क्या करता है नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है। ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है पाकिस्तान को बाईपास करने का। वेयर एज इंडिया ने ये जो चाबहार पोर्ट बनाया है, यू कैन सी आउट हियर, उससे इंडिया और आसानी तरह से अफगानिस्तान को एक्सेस कर सकता है, एज वेल एज अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी एक्सेस कर सकता है और पाकिस्तान को बाईपास कर सकता है। लेकिन ये सारे चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर पाकिस्तान क्या करता, ऑफकोर्स ट्रांसपोर्ट के लिए वो टैक्स लेता और हम लोगों को यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होने देता सेंट्रल एशिया में, जो कि वो होने नहीं दे रहा है।
इंडिया का यही कहना है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन को फ्री कर दिया जाए तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट किया जा सकता है सेंट्रल एशियाज में। अदर पॉइंट जो है वो है ट्रांसपोर्ट से ही रिलेटेड, बट ये जो ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो रहा है वो चाइना के तरफ से हो रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा न्यूज में भी रहता है, चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। अब इंडिया इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है और बाकी सारे SCO नेशन जो है ना इस प्रोजेक्ट के लिए हामी भर चुके हैं, पर इंडिया का स्टैंड क्लियर है, वी डू नॉट सपोर्ट चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बिकॉज द सिंपल रीजन आप क्या कर रहे हैं, इसका जो एक पार्ट है ना वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से आप लेके जा रहे हैं, जिसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोला जा रहा है, एंड वी डू नॉट एग्री टू दैट। ओके, दैट्स व्हाई वी आर नॉट सपोर्टिंग योर इनिशिएटिव ऑफ दिस रोड इनिशिएटिव। यू कैन सी out here, so you can see out here other countries reaffirmed their support to China BRI, but India is not. Now trade के मामले में इंडिया का ये कहना है कि इंडिया का जो total trade है SCO member के साथ वो करीब $141 बिलियन का है, लेकिन उसमें भी जो लार्जर ट्रेड है ना वो ऑफकोर्स चाइना के साथ है, $100 बिलियन से ज्यादा का जो ट्रेड है इंडिया चीन के साथ करता है। सेंट्रल एशिया कंट्री बहुत ही गरीब है, बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है, और इंडिया को ये सारे कंट्रीज के साथ ज्यादा ट्रेड करना चाहिए, उसको अनलीश करने का जरूरत है ये SCO मेंबर्स का। इन्हें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा पाकिस्तान जैसे कंट्रीज को, और कॉरिडोर देना पड़ेगा इंडिया जैसे कंट्रीज को एक्सेस करने के लिए सेंट्रल एशिया को। इससे पाकिस्तान को भी बहुत बेनिफिट होगा। इंडिया ने इस मीटिंग में मिशन लाइफ के ऊपर बात किया है, जो कि एक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, कि हमारा जो लाइफ होना चाहिए वो प्रो प्लैनेट होना चाहिए, हमारा जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए। इंडिया ये इंटेंड करता है कि SCO मेंबर के साथ मिलके वो काउंटर करे फूड क्राइसिस को, और मिशन लाइफ जैसे जो मिशन पीएम मोदी ने स्टार्ट किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, फूड क्राइसिस से लड़ने के लिए, और बेटर लाइफ देने के लिए हमारे फ्यूचर जनरेशन को। उसके साथ साथ जो फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है वो रिलेटेड है इंडिया का चेयरमैनशिप के ऊपर। 2023 में इंडिया वुड बी होल्डिंग द चेयरमैनशिप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया नेक्स्ट SCO समिट को जो 2023 में होगा उसको इंडिया में कराएगा। सो ये नेक्स्ट पॉइंट है, 2023 में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उस साल जो UPSC एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट SCO। आई होप आपको समझ में आया होगा। दैट्स इट, थैंक यू।